दोस्तों विटामिन डी की कमी होने पर इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो आपके बालों तथा आपके त्वचा पे पड़ता है। इसकी वजह से आप क्या करते हैं कि महंगे महंगे स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले एक बार आपको अवश्य जाँच कर लेनी चाहिए कि आपके शरीर के अंदर वो ज़रूरी विटामिन, वो ज़रूरी पोषक तत्व हैं कि नहीं है, क्या वो कम है, उनका स्तर क्या है, इन सब के बारे में आप लोगों को एक बार जांच कर लेना चाहिए। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है, इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी दी जाती हैं, जैसे कि आपको किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों को ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अपनाने पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों विटामिन डी एक बेहद ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर को अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये हमारे बाल तथा हमारे त्वचा के लिए भी बहुत ही जरूरतमंद है। इसके साथ साथ ये बाल तथा त्वचा की सेहत के लिए भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों सामान्य तौर पर अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो कई सारे ऐसे संकेत देखे जा सकते हैं जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। खासकर बाल और जो आपकी त्वचा होती है वो ज़्यादा प्रभावित होती है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से होने वाले जो बाल तथा त्वचा में किस प्रकार के ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी को मेंटेन करने का जो तरीका है वो क्या होता है, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों विटामिन डी नए हेयर फॉलिकल्स के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिनमें से नए बाल निकलते हैं। ये नए रोम वाले बालों को घना बनाते हैं और मौजूदा बालों को समय से पहले झड़ने से गिरने से रोकते हैं। ऐसे में विटामिन डी की जो पर्याप्त मात्रा होती है वह आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है और हेयर फॉल जैसी जो समस्याएं होती हैं उनमें यह काफी ज्यादा कारगर होता है। आइए अब समझते हैं संकेतों के बारे में। सबसे पहला है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। दोस्तों ब्लड में विटामिन डी सीरम की कमी से एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो सकता है। इसे पुरुष पैटर्न में गंजापन तथा महिला पैटर्न के अंदर बालों का झड़ना कहा जाता है। दूसरा है एलोपेशिया एरियाटा। 2017 के एक अध्ययन के अनुसार विटामिन डी के निम्न स्तर तथा एलोपेशिया एरियाटा के बीच में संबंध पाया गया है। अध्ययन में यह पाया गया है कि एलोपेशिया एरियाटा से पीड़ित व्यक्ति में बिना एलोपेशिया एरियाटा वाले व्यक्ति के तुलना में काफी कम विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ये तब विकसित होती है जब कोई चीज इम्यूनिटी को हेयर फॉलिकल्स को खत्म करने में डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसी कंडीशन में हेयर फॉलिकल्स अपने आप नष्ट होने लगते हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है एलोपेशिया एरियाटा। दोस्तों अब समझते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से हमारे त्वचा पे क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबके पहला लक्षण है कि आपके स्किन के ऊपर एक्ने का होना। दोस्तों शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी से बार बार एक्ने का होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं वो मुहासों को रोकने का काम करते हैं। विटामिन डी के निम्न स्तर की वजह से हार्मोन के अंदर बदलाव हो जाता है, उसकी वजह से भी चेहरे पे एक्ने का निर्माण होने लगता है। इसके साथ साथ आपकी जो स्किन पे जो प्री मेच्योर एजिंग भी होने लगती है, यानी कि आपके चेहरों पे काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ भी आने लगती है। ये भी एक प्रकार का लक्षण होता है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। आपके स्किन के ऊपर एक्जिमा जैसे लक्षण हो सकते हैं। आइए दोस्तों लास्ट में हम लोग समझते हैं कि विटामिन डी को मेंटेन करने के क्या क्या टिप्स होते हैं। हफ्ते में कम से कम आपको 2 बार हल्की धूप लेनी होती है। धूप लेते समय आप अपने चेहरे पर तथा आपके हाथ पैरों में सनस्क्रीन जरूर लगाएं। आप मिल्क से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको संतरे का जूस हफ्ते में पीना होता है। आप योगर्ट खा सकते हैं। आप मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ओमेगा फैटी एसिड वाले खाद्य पदार्थों का भी इस्तेमाल करके अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे फैटी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जांच करवाते हैं और आपके शरीर के अंदर आपके ब्लड के अंदर विटामिन डी की मात्रा काफी कम पाई जाती है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से उचित सलाह लेकर अपने आप को मेंटेन रखना है।
दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ये जो बालों का झड़ना या आपके जो त्वचा का रूखापन या आपके त्वचा पे जो एक्ने का होना, ये भी एक प्रकार का लक्षण होता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विटामिन डी के संबंध में अगर आपको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।